Please subscribe and press the bell icon for more content. हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस एडरियल टेक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एडोबी फोटोशॉप पर किस तरीके से फ़ोटोज़ का ड्रेस सेंस करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, मेरे पास फोटोशॉप CS3 वर्जन है। आपके पास जो भी वर्जन है तो आप आसानी से यहाँ पर फ़ोटोज़ का ड्रेस सेंस कर सकते हो। मेरे पास यहाँ पर दो इमेज है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, एक ये इमेज को मैं यहाँ पर ड्रेस सेंस करूँगा और यहाँ पर ड्रेस का कलेक्शन का PST फाइल है दोस्तों। मैं यहाँ पर इस वाली इमेज को सबसे पहले फोटोशॉप CS3 पर इंसर्ट करूँगा इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करते हुए। यहाँ पर देखिए, मैं इस वाले फ़ोटोज़ को सबसे पहले थोड़ा बहुत एडिटिंग करूँगा। एडिटिंग करने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर इमेज पर जाता हूँ और इमेज पर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए एडजस्टमेंट पर क्लिक करता हूँ। एडजस्टमेंट पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर ऑटो लेवल पर क्लिक करता हूँ। ऑटो लेवल पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली लेवल लग चुका है फोटोज़ के अंदर। देन उसके बाद सिंपली मैं यहाँ पर फिर से फोटोज़ एडजस्टमेंट पर जाता हूँ और एडजस्टमेंट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पर फिर से क्रॉप पर क्लिक करता हूँ। क्रॉप्स पर क्लिक करने के बाद दोस्तों मैं इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ रख देता हूँ, वाइट बना देता हूँ इस फोटोज़ का, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा रेड पर की तरफ रख देता हूँ थोड़ा सा। देन उसके बाद सिंपली ओके करता हूँ और फिर से मैं इमेज पर जाता हूँ और एडजस्टमेंट पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं लेबल पर क्लिक करता हूँ। लेबल पर क्लिक करने के बाद दोस्तों मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा इस तरीके से लाइट बना देता हूँ फोटोज़ का, और इस तरीके से थोड़ा सा लाइट पर कर देता हूँ इस तरीके से, यहाँ पर देखिए। देन उसके बाद मैं इस वाले इमेज को थोड़ा सा मैं यहाँ पर फिर से एडजस्टमेंट पर जाकर थोड़ा सा कलर बैलेंस कर लेता हूँ दोस्तों। यहाँ पर देखिए कलर बैलेंस पर क्लिक करने के बाद मैं इसका थोड़ा सा रेड बढ़ा लेता हूँ, मे बी 8 के आसपास, और मैजेंडा थोड़ा सा कुछ इस तरीके से ग्रीन की तरफ थोड़ा सा इतना कर देता हूँ 6-6, और येलो थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, माइनस कर लेता हूँ 5 के आसपास। देन उसके बाद ओके पर क्लिक करता हूँ। ओके पर क्लिक करने के बाद इस वाले इमेज को मैं सबसे पहले क्रॉप करता हूँ। क्रॉप करने के लिए सिंपली आप लोग रेक्टेंगुलर मर्क्यू टूल पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर देखिए रेक्टेंगुलर मर्क्यू टूल। देन उसके बाद सिंपली इस तरीके से क्रॉप कीजिए। यहाँ पर देखिए मैं इस तरीके से सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आप लोग क्लिक कीजिए इमेज पर। इमेज पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोग क्लिक कीजिए क्रॉप पर। यहाँ पर देखिए क्रॉप पर, यहाँ पर इस तरीके से क्रॉप पर क्लिक कीजिए। क्रॉप हो चुका है दोस्तों यहाँ पर इमेज का। देन उसके बाद कंट्रोल डी प्रेस कर दीजिए, डी सेलेक्ट हो जाता है। और इसको बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हो तो आप इस आसानी से मैजिक टूल वेंट सेलेक्ट कीजिए। मैजिक टूल सेलेक्ट करने के बाद इस तरीके से सेलेक्ट कीजिए तो इस तरीके से यहाँ पर सेलेक्ट हो जाता है। और बैकग्राउंड चेंज नहीं करना चाहते हो तो भी आसानी है दोस्तों यहाँ पर देखिए। देन उसके बाद सिंपली मैं इस वाले सूट कलेक्शन का, यहाँ पर मेरे पास ड्रेस कलेक्शन है, इसको मैं इस तरीके से फोटोशॉप पर ड्रैग करता हूँ। यहाँ पर देखिए ढेर सारे ड्रेस का कलेक्शन है, ये मैंने ऑलरेडी कटिंग किया हुआ फोटोज़ है दोस्तों। यहाँ पर देखिए मैं इसी वाले ड्रेस को यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ कुछ इस तरीके से। इस वाले ड्रेस को मैं यहाँ पर चेंज करना चाहता हूँ तो इस तरीके से ड्रैग कीजिए। ड्रैग करने के बाद सिंपली इस वाले इमेज पर इसको कंट्रोल टी कीजिए। कंट्रोल टी करने के बाद इसको बढ़ा लीजिए शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करते हुए कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर सेट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर सेट कर रहा हूँ। सेट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए इसको आप इस वाले एरिया को रिमूव कीजिए। रिमूव करने के लिए आप इरेजर टूल को भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर देखिए इरेजर टूल को भी यूज़ कर सकते हो, ब्रश टूल को भी यूज़ कर सकते हो। ब्रश टूल यूज़ करने के लिए से यहाँ पर आपको लेयर मार्क्स पर क्लिक करना है। लेयर मार्क्स पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक मार्क्स बन जाएगा, और मार्क्स बनने के बाद दोस्तों सिंपली ब्रश टूल पर क्लिक कीजिए। ब्रश टूल पर क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पर ब्लैक और वाइट, यहाँ पर देखिए ब्लैक को ऊपर लीजिए इस तरीके से और यहाँ पर वाइट को नीचे की तरफ ले जाइए। देन उसके बाद यहाँ पर ब्रश टूल के यहाँ पर सबसे पहले इस वाले ब्रश टूल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप सॉफ्ट ब्रश एक सेलेक्ट कीजिए। आप जो भी सॉफ्ट ब्रश सेलेक्ट करना चाहते हो सेलेक्ट कीजिए। मैं यहाँ पर 100 का सॉफ्ट ब्रश सेलेक्ट करता हूँ। देन उसके बाद आप हार्डनेस यहाँ पर जितना है उतना ही छोड़ दीजिए हार्डनेस, और देन उसके बाद सिंपली इस वाले ब्रश को साइज़ बड़ा कर लीजिए कुछ इस तरीके से। यहाँ पर देखिए राइट क्लिक कीजिए और इस तरीके से बड़ा कर लीजिए। देन उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ कीजिए कुछ इस तरीके से। यहाँ पर देखिए रिमूव हो रहा है, इसको कुछ इस तरीके से रिमूव कीजिए यहाँ पर देखिए। देन उसके बाद मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से रिमूव कर रहा हूँ।
देन उसके बाद सिंपली आप लोग क्लिक कीजिए इस वाले कलर को यहाँ पर मैच कीजिए। मैच करने के लिए सिंपली आप लोग क्लिक कीजिए इमेज पर, और इमेज पर जाने के बाद इस वाले बैकग्राउंड पर क्लिक कीजिए। इमेज पर जाने के बाद एडजस्टमेंट पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर मैच कलर पर क्लिक कीजिए। मैच कलर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए इस वाले कलर को आप सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर लुमिनस थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर इस तरीके से कलर इंटेंसिटी थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखिए, थोड़ा बहुत मैच हो चुका है। देन यहाँ पर कलर बैलेंस कीजिए सेम इसी वाले बैकग्राउंड पर, कंट्रोल बी प्रेस कीजिए तो कलर बैलेंस आ चुका है दोस्तों। यहाँ पर देखिए कलर बैलेंस का ऑप्शन, और इस तरीके से कलर बैलेंस मैच कीजिए। मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से रख देता हूँ और इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा मैच करूँगा, और इसको भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा इस तरीके से मैच करूँगा, और यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से मैच हो चुका है। देन यहाँ पर फिर से मैं इसको सेलेक्टिव कलर पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखिए सेलेक्टिव कलर, और सेलेक्टिव कलर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप रेड को थोड़ा सा नीचे के माइनस कीजिए कुछ इस तरीके से, और येलो थोड़ा सा इस तरीके से बड़ा कर लीजिए कुछ इस तरीके से, और वाइट थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, और यहाँ पर रेड भी थोड़ा सा इस तरीके से बड़ा कर लीजिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से, मैजेंटास को भी बड़ा कर लीजिए कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर सेट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से मैच हो चुका है बैकग्राउंड और ड्रेस, और यहाँ पर फिर से मैं इसको थोड़ा सा रिमूव करूँगा कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखिए, और इसको मैं बैकग्राउंड रिमूव करूँगा मैजिक टूल का मदद से। बैकग्राउंड पर क्लिक करता हूँ और इस तरीके से सेलेक्ट करता हूँ, और आप यहाँ पर जो भी कलर देना चाहते हो तो दे सकते हो। मैं सिंपली यहाँ पर वाइट कलर दे देता हूँ, और कंट्रोल डिलीट प्रेस करते हुए वाइट कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों इस तरीके से ड्रेस चेंज हो चुका है, और इसको यहाँ पर मर्ज कीजिए कंट्रोल ई करते हुए मर्ज कर लीजिए कुछ इस तरीके से, कंट्रोल ई कीजिए तो मर्ज हो जाता है। देन उसके बाद इसको आप जहाँ पर भी सेट करना चाहते हो तो सेट कर सकते हो। पासपोर्ट साइज फोटो बनाना चाहते हो तो आप आसानी से बना सकते हो, उसके लिए क्रॉप टूल यूज़ कीजिए और क्रॉप टूल से क्रॉप कीजिए, देन आराम से पासपोर्ट साइज फोटो आसानी से बना सकते हो दोस्तों इस तरीके से। आप लोगों का आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों, प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो पर किसी नए टॉपिक के ऊपर, तब तक के लिए नमस्कार।